इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जवान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।